नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो चुनाव है वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है और आप लोग के बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसी सबको आधार बना के मैं आपके सम्मुख कुछ डाटा लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिससे जिसको यदि आप पूरा देखते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपकी जो तैयारी है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन भर्तियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कुछ हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो कि हमारे चैनल पर काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कुछ अपने व्यूअर्स है उनका नाम लिया था, तो उनको भी एक लगता है कि नहीं जो हम कर रहे हैं वो सही तरीके से चल रहा है। तो इसी संदर्भ में हमारे कुछ रेगुलर व्यूअर्स हैं, उसमें देखिए आपका पहले सिंगिच किंग, लगभग 20 से 25 है तो बहुत से लोग, लेकिन उसमें से कुछ का नाम मैं ले रहा हूँ। सिंगिच किंग, मोहित, राहुल, शोभित, ज्ञानेंद्र, प्रवीण, रोशन, कुणाल, जीतू, अंकित, सरोज, कृष्णा, ये कुछ हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जिनके प्रश्नों को बेस बनाकर मैं आपके सम्मुख ये वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो ज्यादा देर न करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको वीडियो 2018 के जो पेपर था उसके संदर्भ में जानकारी दी थी और बताया था कि किस प्रकार आप परीक्षा की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी भर्तियां आने वाली हैं। देखिए, इनकी संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, आप जानते हैं कि जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश, वो प्रतिवर्ष आपकी जो पीएससी के थ्रू विभिन्न प्रकार के भर्तियां निकालता है, जिसे कि हम लोग प्रॉपरली पीसीएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें भी मानते चलिए 500 से प्लस अधिक वैकेंसी है जिसकी जो परीक्षा है वो 12 जून को निर्धारित है। उसके बाद में ऐसी हलचलें उड़ रही हैं कि उत्तर प्रदेश आरओ जो कि अभी परीक्षा हुई है और इस क्या कहते हैं साल के अंत तक इसमें भी एक अच्छी खासी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। इसके अतिरिक्त यूपीपी आरबी में 26,332 वैकेंसी, 382 वैकेंसी, एसआई में 829 वैकेंसी, यूपीपी एएसआई में 243 वैकेंसी जिसकी संभावना है आएगी। जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एससी में या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होता है जिसमें 2000 वैकेंसी। इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट आरओ एआरओ में ग्रुप सी और ग्रुप डी में 1000 प्लस वैकेंसी आ सकती है, यानी कुल अगर इस वैकेंसी को जोड़े तो 31,254 वैकेंसी जो है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी आगामी कुछ महीनों में। यदि आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ये तो आपकी हो गई आने वाली कुछ वैकेंसी। इसका मेन मकसद बताने का उद्देश्य यही है कि आप जो अपनी तैयारी उस तैयारी को बूस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ कितनी चाहिए, सिर्फ आपको एक सीट चाहिए। ठीक है, हालांकि इसमें हो सकता है कि कुछ के लिए आप एलिजिबल ना हो, कुछ आपके विशेष कैटेगरी के अंतर्गत होती हो, लेकिन आप इतना मान के चलिए सिर्फ ग्रुप सी डी है तो इसके लिए लगभग सभी लोग एलिजिबल होंगे, ये संख्या घट बढ़ भी सकती है। तो ये आपकी टोटल वैकेंसी होगी 31,254। अगले कुछ महीने में होने वाले एग्जाम, जैसा कि आप जानते हैं अप्रैल माह के फर्स्ट वीक में यूपी ट्रिपल एससी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी जो आई थी उसके पेपर होंगे। इस वैकेंसी में बहुत ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जो पीटी का होगा, पीटी का इसके स्कोर के आधार पर कुछ आपका एनालिसिस किया जा सकता है कि आपके लेखपाल में कितने परसेंट या कितने परसेंटाइल वाले लोग बुलाए जाएंगे। उसके अतिरिक्त आपका यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो लेखपाल की परीक्षा होगी उसमें 8,085 पदों पर भर्ती होने वाली है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम 2018 जो कि आपका कैंसिल हुआ था, एसआईटी की जांच के थ्रू 70% से अधिक धांधली पाई गई थी, इसमें आपके 2953 वैकेंसी है। कृषि प्रावधिक गन्ना पर्यवेक्षक, इसके अंतर्गत आपके 25,000 वैकेंसी, सॉरी हजार नहीं 2500 होगा। ठीक है, इसी के अतिरिक्त रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक 1,936, सहायक परिचालक 1,374 पोस्ट के लिए, कर्मशाला कर्मचारी 120 पोस्ट पे। हालांकि देखिए इसमें कुछ जो रेडियो संवर्ग है इसमें जो आपका पुलिस प्रोन्नत बोर्ड है उसने जो डेट है उस डेट को एक्सटेंड किया है, जिसमें उन्होंने चुनाव का हवाला दिया है और कोविड का हवाला दिया है। यदि आप उस एलिजिब क्राइटेरिया को रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कार्यवाही प्रचलित आप जानते होंगे जो दरोगा है 9,534 पदों के लिए, इसका डीवीपीएसटी होना है आपका, एसआई स्टेनो, एएसआई अकाउंटेंट, ठीक है, इसकी भी परीक्षा हो गई, इसमें 1,329 पद है।
यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट, इसमें भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है, इसमें आपके 1403 पद है। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 548 पदों परीक्षा 2016 में हुई थी, देखिये कितने लंबा समय लग रहा है। और फिर लास्ट में यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 जिसकी जो की टोटल आपके 79 पोस्ट है। ठीक है, तो आप अगर कुल मिलाकर देखेंगे मोटा मोटी तो 31 24 और 12, ठीक है, कुल मिलाकर 50,000 से ऊपर भी है अगर इसको हम लोग टोटल करते हैं, 31 254 24 180 और 12 893, ठीक है, यानी 68,327। अगर हम मोटा मोटी माने तो 68,000 के आसपास जो वैकेंसी है वो आपको आने वाले कुछ मंथ में देखने को मिल सकती है, और मिल कह सकती है, इसमें से जो कुछ की परीक्षाएं है वो आपकी होंगी भी। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मोटिवेशन बनाए रखें, और खासकर आपकी जो ये दो परीक्षाएं हो गई यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल और जो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम 2018 का जो कि संभावित है, तो मेरा मेन उद्देश्य था कि आप जाने कि आपको लेनी सिर्फ एक सीट है, आप अपने हौसले को अच्छे से बुलंद रखिए, हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है, जैसे मैंने कि कुछ लोगों का भी नाम भी लिया। यदि आप भी फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो और फर्स्ट टाइम आपने अगर वीडियो को विजिट किया हुआ हो तो चैनल को क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि विधिवत रूप से हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, उस टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, वहां पर आपको प्रतिदिन क्विज कराई जा रही है, प्लस हम लोग जो पीडीएफ जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल रही है, इसके अतिरिक्त विभिन्न मॉडल टेस्ट हम लोग कराते हैं उसकी भी पीडीएफ आपको वहां पर मिल रही है, इसकी जो जो लिंक है हमको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से चीजों को देखिए। और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।